तो गुरु कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी मज़े में होंगे। तो देखो भाई लोग, डंकी शाहरुख खान की नेक्स्ट 1000 करोड़ मारने वाली है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड भाई इसके डायरेक्टर और एक्टर ने ही कहा है कि अगर थ्री इडियट्स आपने दो बार देखी है तो डंकी भाई आप 10 times देखोगे। एंड डंकी का जो नेक्स्ट सॉन्ग आया है भाई, वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। एंड भाई SRK का जो लुक था इसमें, एंड भाई जो पूरी मूवमेंट SRK करते हैं हाथ वात इधर उधर भाई, वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो बात करें डंकी के सेकंड ट्रेलर की, बट उससे पहले बात करने वाले हैं अपन लोग डंकी के अंदर कुछ छोटे मोटे एक्शन सीक्वेंस के बारे में। तो राजकुमार हिरानी ना भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, उनको पता है कि इस समय शाहरुख खान का जो रुतबा है भाई वो एक्शन के नाम से चल रहा है। एंड भाई शाहरुख खान इस समय एक्शन हीरो कहला रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने डंकी के अंदर भी छोटे मोटे कुछ मिनी मिनी एक्शन सीक्वेंस डाले हैं कि जो लोग शाहरुख खान को एक्शन के तौर पर देखते थे भाई, वो लोग डंकी देखें तो बोर ना हो। तो इसके अंदर इसमें छोटा सा एक स्मॉल बाइक चेसिंग सीक्वेंस है शाहरुख खान का बाइक के साथ, उसके बाद एक ट्रेन एक्शन सीक्वेंस है जो अपने ट्रेलर में भी देखा है जहाँ तापसी पन्नू है SRK, वो एक्चुअल में भाई ट्रेन का एक चेस सीक्वेंस है, दौड़कर ट्रेन को पकड़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भाई एक प्लेन एक्शन सीक्वेंस है, जेट एक्शन सीक्वेंस है भाई, वो बहुत खतरनाक है, मतलब इमोशनल एक्शन सीक्वेंस है। उसमें क्या है कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता वरना स्ट्राइक आ जाएगा। उसमें एक है, आपने अगर सिद्धत मूवी देखी होगी तो भाई समझ गया हो कैसा एक्शन सीक्वेंस है प्लेन के साथ। एंड नेक्स्ट है भाई एक फाइटिंग सीक्वेंस जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा है, शाहरुख खान भाई ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहनकर भाई फाइट करते हैं गन के साथ, और भाई छोटे मोटे हैंड टू हैंड फाइटिंग सीक्वेंस है। एंड इसका ट्रेलर 2 भाई 17 तारीख को आने के पूरे चांसेस है, और भाई वो बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया जाएगा। तो भाई आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो डंकी के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डंकी के बारे में कोई और न्यू अपडेट आती तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।